यार रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह उनका नहीं पता था, बिल्कुल लगता था। प्रूफ है जी, जगह जगह के घोटाले हैं। एक भिवाना करी चार प्रधान और बताओ जिनके ऊपर 20 के ऊपर केस चल रहे हैं। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने प्रदेश में निकाय विभाग से चेयरमैन से वित्तीय पावर छीनने के सवाल पर कहा सरकार ने घूस का रास्ता किया बंद। नगर निकाय के प्रधान करते थे फ्रॉड, इसके सरकार के पास है प्रूफ, जगह जगह हुए हैं घोटाले। मीडिया से उन्होंने किया सवाल, रेवाड़ी में कार्यकारी अधिकारी व चेयरमैन क्या खाते हैं, क्या आपको नहीं पता? विकास कार्य के लिए अधिकारी की होती है जिम्मेदारी। निकाय के चेयरमैन तो विकास कार्यों को चेक काटने के नाम पर ही देते हैं घूस। जो घूस देता है उसका चेक काट देते हैं उसी दिन, जो नहीं देता उसका लटका देते हैं महीनों। क्या चेक काटने के लिए चेयरमैन को दी गई थी पावर? प्रदेश के कई चेयरमैन के ऊपर चल रही है कार्रवाई। इनेलो द्वारा 5 लाख वृद्धावस्था पेंशन काटने के सवाल पर कहा सरासर झूठ बोल रही है इनेलो। कुछ कारणों के चलते कटी पेंशन, कांग्रेस सरकार गलत तरीके से दे रही थी वृद्धावस्था पेंशन। पेंशन लाभार्थी को देखने का नहीं था पैमाना। परिवार पहचान पत्र के चलते अब सरकार के पास सारी जानकारी उपलब्ध। तकनीक के चलते पकड़ में आ रही हैं गलतियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के SYL पर दिए गए बयान पर कहा SYL को लेकर लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है विवाद। कोर्ट ने बार बार हरियाणा के पक्ष में दिए हैं फैसले। अब कोर्ट ने सख्त संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार के साथ बैठकर समाधान का रास्ता निकालने के लिए आदेश दिए हैं। सैनिक स्कूल के नामकरण पर भी कहा यह सब मीडिया का प्रोपोगेंडा है। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर कहा उन्हें नहीं है इसकी कोई जानकारी। आपको बता दें कष्ट निवारण समिति की ले रहे थे बैठक, बैठक में 15 परिवादों में से 10 का हुआ समाधान। बीटी पावर खत्म कर दी गई है, चेयरमैनों का कहना है कि ना बीटी पावर बढ़ाने की वजह सरकार ने गिरा है, इसको लेकर उनमें गुस्सा है, क्या कहेंगे? भाई जब काम अधिकारी को करना है उसकी क्वालिटी और उसकी उससे संबंधित कोई बात होती है तो उसकी जवाबदार अधिकारी होता है और उसका जो अपना एक सिस्टम है कि नीचे का अधिकारी उसकी मेजरमेंट करे, ऊपर वाला उसकी 25% चेकिंग करे, उससे ऊपर वाला उसकी 10% चेकिंग करे, तीन तीन जगह छंटकर बात हो जाती है। तो चेयरमैन खाली इस काम के लिए कि सारा काम सही हो गया और अब मैं चाहूँ तो पेमेंट करूँ, चाहूँ तो ना करूँ, और आप कोई घूस दे जाओ तो आपका हाथ से कट जाएगा, नहीं दे कर जाओ तो दो महीने नहीं कटेगा, क्या इस बात के लिए पावर दी गई थी? हमने वो घूस बैठने का रास्ता बंद किया, कहीं लग बिल्कुल लगता था। प्रूफ है जी, जगह जगह के घोटाले हैं। किसको कैसे नहीं पकड़े गए, कैसे नहीं पकड़े गए? एक भिवाना करी चार प्रधान और बताओ जिनके ऊपर 20 के ऊपर केस चल रहे हैं। विपक्ष कहती है इससे तो विपक्ष क्या करेगा, जब थम अमेरिका की बात तो थम जानो, राहुल गांधी साउथ बैठो पैदमपुर उसकी बात जानते हो, यहाँ रेवाड़ी में ये और वो क्या खाते हैं चेयरमैन वगैरह उनका नहीं पता था। ये हुट्टी लेकर इसका काम उसका जिम्मेवारी को सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए आप लोगों, आप लोगों को ये नहीं चाहिए गलत चीज का ये वो अच्छी तरह नोट कर ले। आज की बैठक में है 15 परिवाद लगे हुए थे जिनमें से 10 का समाधान कर दिया गया है और 5 पेंडिंग। सर एक अगर बात कर ले तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? मुझे कोई जानकारी नहीं, तो कांग्रेस के भाइयों से पूछो। देखिए SYL का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और कोर्ट ने बार बार हरियाणा के पक्ष में फैसले दिए,
और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को चेतावनी दी है या पत्र लिखा है कि आप हरियाणा के साथ बैठकर इस मामले में तुरंत से इस समाधान के रास्ते को आगे बढ़ाइए। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये बात आगे बढ़ेगी। एक जो पंचायत है सर, ये सरासर झूठ है। इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं। भाजपा सरकार आने के बाद ही इतने बड़ी बल्क में पेंशन कटी है, पिछली सरकारें क्या गलत तरीके से पेंशन दे रही थी? पिछली सरकारें बिल्कुल गलत तरीके से दे रही थी। कारण था कि किसके घर में क्या इनकम है और कौन उसको छुपाकर सरकार की आंखों से लाभ ले रहा है, इसका सरकार के पास कोई पैमाना और कोई तरीका नहीं था। हमारे पास भी नहीं था, 7 साल हमने भी राज कर लिया 2014 से, कांग्रेस के भाइयों ने भी कर लिया। कोई रास्ता नहीं था हमारे पास इसको देखने का। जगह जगह शिकायतें भी होती, जब किसी पर्टिकुलर केस की शिकायत आती तो उसके ऊपर केवल अमल हो जाएगा। आज हमने परिवार पहचान पत्र बना दिया, एक परिवार पहचान पत्र में उस परिवार की सारी जानकारी, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ है, इसकी एज क्या है, इसका बैंक खाता कहाँ है, कितना नंबर है, ये इसके परिवार की इनकम कितनी है, परिवार में मेंबर कितने हैं, किसकी इनकम कितनी है, वो सारी चीज़ एक परिवार पहचान पत्र में आ गई। अब सरकार के पास एक डेटा, वो एक कागज़ सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देता है। कोई बार बार कहते हैं कि भाई छुपा कर नंबर दो के पैसे का, उस 10 पैसे भी फालतू उसके खाते में आते हैं तो परिवार पहचान पत्र रिपोर्ट दे देता है। जैसे जैसे तंत्र बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। टीचली और घटिया बात नहीं कर रही थी, प्रेस एक बड़ी सम्मानित वो है, ये उस चीज़ को उजागर करे, उसको हाईलाइट करे, कमियों को निकाले, ये ना करे कि खाली चटकारे लेने का काम। मंत्री जी हो गए वैसे, आपको सब बातों का पता होता है, उसके बाद उल्टी बात करते हैं। आपको भी तो इसका NHI का पता है सर, आप उड़ के थोड़ी आते हो नारों से। मैं आता हूँ, मैं पूछूंगा, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ मैं पूछूंगा NHI पता ही नहीं है। चलो जी, चलो जवाब दे।